Students. welcome to pharmacy notes by us today we discuss biphasic liquid dosage form suspension part 1 start okay in this we discuss definition of suspension characteristics of suspension advantage and disadvantage of suspension classification preparation or method of dispensing of suspension

डिस्पर्स फेज जो होगी वो होगी इनसॉलिबल सॉलिड पार्टिकल और जो डिस्पर्शन मीडियम होगा जिसे अपन कंटिन्यूस मीडियम भी कह देंगे वो या तो वाटर होगा या फिर अदर देन वाटर होगा यानी कि नॉन एक्वस लिक्विड्स होंगे डेफिनेशन को अगर अपन प्रोनाउंस करने की कोशिश करें तो इट इज डिफाइंड एज द डिस्पर्स सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस डिस्पर्स फेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिस्क्रीट यूनिट्स थ्रू आउट अ सेकेंड सब्सटेंस फेज़ विच कॉल्ड एस कंटिन्यूस फेज यानी कि जो डिस्पर्स पार्टिकल हैं सॉलिड पार्टिकल हैं वो उस कंटिन्यूस फेज के अंदर डिस्पर्स रहेंगे इंटरनल फेज और एक्सटर्नल फेज की बात कर देते हैं इंटरनल यानी कि जो छोटी अवस्था में है एक्सटर्नल यानी कि जो कंटिन्यूस मीडियम अवेलेबल है इंटरनल फेज को अपन डिसकन्टीन्यूस फेज भी कह देते हैं डिस्पर्स फेज भी कह देते हैं और एक्सटर्नल फेज को अपन कंटिन्यूस फेज भी कह देते हैं और वहीकल भी कह देते हैं पार्टिकल साइज रेंज की बात करें सस्पेंशन की तो सस्पेंशन की पार्टिकल साइज रेंज होती है .5 से माइक्रोमीटर 5 और इट इज अ सॉलिड लिक्विड फॉर्म जिसमें एक तो सॉलिड अवस्था है डिस्पर्स की और लिक्विड मीडियम है यानी कि कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए एक आइडियल सस्पेंशन के अंदर अब सस्पेंशन अपन बना रहे हैं तो अपने को पता है कि इसमें सॉलिड भी है और लिक्विड भी है तो सबसे पहले जब सॉलिड की बात है तो भाई सॉलिड है तो धीरे धीरे नीचे की तरफ सेडिमेंट तो होगा ही तो सबसे आइडियल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि आपने सस्पेंशन बना दिया उसके बाद कि भाई आफ्टर शेकिंग द मेडिकामेंट स्टे इन सस्पेंशन लॉन्ग इनफ फॉर रिमूवल ऑफ करेक्ट डोजेस फ्रॉम ओरल प्रोडक्ट यानी कि आपने सस्पेंशन बना दिए और अच्छे से शेक कर लिया तो शेक करने के बाद वो इनफ टाइम तक उस सिस्टम में रहनी चाहिए कि अगर आपने उसमें से एक एम निकाला सौ एम की बोतल में से तो एक एम में जो ड्रग आया वो उस नाइन्टी नाइन एम के हिसाब से प्रपोशनली आए यानी कि अब नाइन्टी नाइन में उतनी रिमेनिंग है वन एम एल के हिसाब से यानी कि हर वन एम एल में इक्वल क्वान्टिटी ऑफ ड्रग इज एलिमिनेटेड सेकेंड है डिस्पर्स पार्टिकल शुड नॉट सेटल इजिली और मस्ट बी रीडिस्पर्स ईजिली यानी जो डिस्पर्स पार्टिकल है जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आसानी से नीचे नहीं बैठे और शेक करने पे आसानी से रीडिस्पर्स हो जाएं और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा पार्टिकल नीचे की तरफ सेडिमेंट होते चलेंगे छोटे छोटे पार्टिकल उनके बीच में आते रहेंगे फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा और एक हार्ड केक फॉर्म कर लेगा फिर क्या होगा हंड्रेड एम सिस्टम के अंदर नीचे नीचे आपकी सारी ट्रक बैठ जाएगी और ऊपर सारा का सारा सोल्यूशन हो जाएगा फोर्थ पॉइंट इज इट मस्ट बी फ्री फ्रॉम लार्ज पार्टिकल विच स्पॉइल द अपीरियंस यानी कि बड़े पार्टिकल होंगे तो आपकी जो सिस्टम की अपीरियंस है दिखने में है वो बिल्कुल उसको स्पॉयल कर देगा फिफ्थ पॉइंट है विस्कोसिटी ऑफ सस्पेंशन मस्ट बी इजी टू पोर यानी कि जो विस्कोसिटी है घाड़ा है सस्पेंशन का वो एकदम फिक्स होना चाहिए अगर कम हुआ तो क्या होगा आप सस्पेंशन को पोर कर रहे हो तो पोरिंग प्रॉब्लम करेगा ज़्यादा अमाउंट भी गिर सकती है कम अमाउंट भी गिर सकती है और अगर ज़्यादा विस्कस या घाड़ा हुआ तो क्या होगा जब आप उसे पियोगे तो आपको निगलने में डिफ़िकल्टी होगी साथ में आपको एक स्टिकी फीलिंग भी आएगी लास्ट एंड सिक्स पॉइंट इज इट मस्ट बी फिजिकली केमिकली एंड माइक्रोबाइलॉजिकली स्टेबल यानी कि फिजिकली भी स्टेबल हो केमिकली भी स्टेबल हो और कोई माइक्रोबल कंटामिनेशन भी ना हो इतनी सारी फॉर्मुलेशंस हैं उसमें सस्पेंशन बनाने की क्या जरूरत पड़ी तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे और सस्पेंशन के बाद भी काफी सारे डिस डोजेस फॉर्म बनाई गई क्यों क्योंकि सस्पेंशन के अंदर कुछ डिसएडवांटेज भी हैं पहले एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज क्या है इट इम्प्रूव द केमिकल स्टेबिलिटी केमिकल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करती है दूसरा बायो अवेलेबिलिटी को भी इम्प्रूव करती है अब मैंने टैबलेट बना दी टैबलेट आधे घंटा बाद काम कर रही है वही उसका मैंने सस्पेंशन बना के दे दिया तो वो थोड़ा जल्दी एक्ट करेगी यानी कि बायो अवेलेबल ज़्यादा जल्दी से है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में टैबलेट और कैप्सूल से जल्दी पहुँचती है डिसएडवांटेज क्या होगा इट इज़ फिजिकली अनस्टेबल क्यों क्योंकि पार्टिकल नीचे सेडिमेंट करते हैं दूसरा सेडिमेंटेशन प्रॉब्लम है ही तीसरा है यूनिफॉर्म ड्रग डिलीवरी डिफ़िकल्ट टू अचीव यानी कि अगर वो ढंग से सेडिमेंट रिडिस्पर्स ना हो पाए तो हर एक एम के अंदर एक फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग आए या ना है, ये डिफिकल्ट टू अचीव है नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन यानी कि सस्पेंशन को किस किस भाग में अपन डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले सस्पेंशन के अंदर सॉलिड पार्टिकल है तो उसकी कंसेंट्रेशन के बेस पर अपन डिवाइड कर सकते हैं तो कंसेंट्रेशन के बेस पर बात करें तो या तो कंसनट्रेटर ज़्यादा होगा या फिर कम होगा कम होगा तो उसे अपन डाइल्यूट सस्पेंशन कह देंगे ज़्यादा होगा तो इट इज़ नोन एज कंसनट्रेटेड सस्पेंशन डायल्यूटेड सस्पेंशन के अंदर मोस्टली जो डिस्पर्स फेज है वो टू टू टेन परसेंट होती है वाली कंसनट्रेटेड सस्पेंशन की बात करें तो फिफ्टी परसेंट तक अपन डिस्पर्स फेज में डाल सकते हैं इसका एक एग्जाम्पल भी है विच जिंक ऑक्साइड सस्पेंशन सेकेंड है अकॉर्डिंग टू जनरल क्लास यानी कि सस्पेंशन किस किस तरीके से अपन यूज लेते हैं अपन उसे ओरली यूज लेते हैं पेंटली भी सस्पेंशन यूज किया जाता है ऑपथेलमिक भी किया जाता है और एक्सटर्नली या फिर टॉपिकली भी करते हैं ओरल सस्पेंशन की बात करें यानी कि वो सस्पेंशन जो कि अपन ओरली या मुंह से कंज्यूम कर रहे हैं रीज़न क्या है उसको लेने का कि भाई फ्लेवर उसका अपन को एनहेंस करना पड़ेगा स्वीटनिंग एजेंट्स उसके अंदर अपन को डालने पड़ेंगे एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से सस्पेंशन आते हैं जो कि अपन ओरली ले सकते हैं तो एग्जाम्पल है एंटासिड्स पैरासिटामोल सस्पेंशन क्लोरोमफिनिकोल पार्मेटेड एंटीबायोटिक क्लोरोमफिनिकोल पालमेटेड के अंदर पालमिटेट एक सॉल्ट है जो कि क्लोरमफिनिकॉल में डाला जाता है टू रिड्यूस और मास्क द बीटर टेस्ट ऑफ क्लोरमफिनिकोल बी है पेंटल सस्पेंशन जो कि पेंटल रूप से दिए जाते हैं अब पेंटल के अंदर अगर अपन दे रहे हैं तो अपने को पार्टिकल साइज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा पार्टिकल में अपन ये देखते हैं कि पार्टिकल इतना इनफ हो कि वो सीरीज के अंदर आ भी जाए और सीरीज से जब अपने

तो ऑपथेलमिक प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर होनी चाहिए यानी कि आंखों को इरिटेशन कॉज ना करे स्ट्राइल हो आइसोटोनिक हो दो ये सारे फैक्टर्स एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आई ड्रॉप्स आर ऑपथेलमिक सस्पेंशन डी है सस्पेंशन फॉर एक्सटर्नल यूज ये कौन कौन से सस्पेंशन है जो कि अपन एक्सटर्नली या टॉपिकली यूज़ करते हैं एग्जाम्पल है उसका लोशन इनहेलेशन और आई ड्रॉप्स आई ड्रॉप्स कैविटी में यूज आती है तो इसलिए अपन उसको एक्सटर्नल यूज कैटेगरी में डालते हैं कैलामाइन लोशन इज सस्पेंशन टाइप प्रिपरेशन विच इज एप्लाइड ऑन स्किन टू प्रोवाइड प्रोटेक्टिव इफेक्ट लेकिन जो कैलामाइन लोशन है वो भी एक टाइप ऑफ सस्पेंशन है जो की कि, कि, किस काम के लिए आता है एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है अपनी स्किन के ऊपर नेक्स्ट पार्ट इज ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल ये क्वेश्चन आपको अलग से भी देखने को मिल सकता है कि राइट आर डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक एंड डी फ्लॉक और ये क्लासिफिकेशन के अंदर भी है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर यानी कि फ्लोकुलेटेड एंड डी फ्लोकुलेटेड के अंदर कौन कौन से डिफरेंस हैं फ्लोकुलेटेड की बात करें तो अपने को पता है कि पार्टिकल एक फिक्स अट्रैक्टिव फोर्स के साथ साथ एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे यूजिंग लूज एग्रीगेट वेल डी फ्लोकुलेटेड के अंदर क्या होगा पार्टिकल एग्जिस्ट एज सेपरेट एंटाइजीज एंटाइटीज पार्टिकल है जो सेपरेट एंटाइटी में रहने लग जाएंगे फ्रोकुलेटेड में पार्टिकल का साइज सेम है इसलिए मोशन को भी इम्प्रूव करेगा तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई रहेगी वाली डी फ्रोकुलेटेड में क्या दिक्कत रहती है पार्टिकल का साइज इरेगुलर होता है या फिर सबका अलग अलग साइज है तो जो बड़े पार्टिकल हैं वो तो जल्दी से नीचे की तरफ आ जाएंगे बट छोटे छोटे पार्टिकल को समय लगेगा तो अपन ये कह सकते हैं कि द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ओवरऑल इज स्लो थर्ड पॉइंट है सेडिमेंट रैपिडली फॉर्म ऑब्वियस है सेडिमेंटेशन रेट हाई होगी तो सेडिमेंट भी जल्दी जल्दी से बनेगा While it और एक स्पेस है हर पार्टिकल के बीच में तो क्या होगा जैसे आप शेक करोगे तो आसानी से शेक हो जाएंगे बट डीफ्लोकटेड के अंदर क्या होता है पार्टिकल रिपर्सिव फोर्स से दूर दूर तो है बट उनके बीच में छोटे छोटे पार्टिकल भी आ जाएंगे और हाईली अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट कर देंगे जिससे क्या होगा पार्टिकल एक हार्ड केक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और शेक करने पे आसानी से रीडिस्पर्स नहीं होगा सिक्स पॉइंट है फ्लोकुलेटेड का नॉट प्लीजिंग इन अपीरियंस दिखने में इसकी जो अपीरियंस है वो प्लीज नहीं रहेगी वेल डी फ्लोकुलेटेड इज प्लीजिंग इन अपीरियंस सेवेंथ है फ्लोकुलेटेड में क्योंकि ये लूज नेटवर्क बना रहे हैं तो डिस्पर्स करना भी आसान होगा वेल नॉन फ्लोकुलेटेड या डिफ्लोकुलेटर में क्या है हार्ड केक बनाने के चक्कर में डिस्पर्सिबिलिटी इसकी अच्छी नहीं होती अगर इसको अपने को इसको वापस रिडिपर्स करना है तो अपने को एजिटेशन करना पड़ेगा अच्छे से या फिर कोई हाई शेकिंग मशीन की जरूरत होगी इसको वापस रीडिस्पर्स करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट इज मेथड ऑफ डिस्पेंसिंग सस्पेंशन यानी कि कौन कौन से मेथड्स अपन यूज कर सकते हैं सस्पेंशन को डिस्पेंस करने के लिए ऑप्शन या फिर अब चार तरीके के मेथड्स हैं पहला मेथड है सस्पेंशन कंटेनिंग डिफ्यूजिबल सॉलिड्स बी है सस्पेंशन कंटेनिंग इनडिफ्यूजिबल सॉलिड्स सी है सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग लिक्विड डी है सस्पेंशन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन पहले की बात करें दे कंटेन डिफ्यूजिबल सॉलिड्स तो डिफ्यूजल सॉलिड्स क्या होते हैं डिफ्यूजल सॉलिड्स आर लाइट इन वेट एंड ऑन शेकिंग डिफ्यूज इवनली थ्रू आउट द लिक्विड फॉर अ लॉन्ग इनफ टू इंश्योर द इवन डिस्ट्रीब्यूशन इन ईच डोज यानी कि क्या ये पहली बात तो लाइट इन वेट होते हैं और जैसे इसको अपन व्हीकल या पानी के साथ चेक करते हैं तो ये आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे सिस्टम के अंदर ईच डोज के अंदर एक एक्यूरेसी लेते हुए एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स हैं जो कि डिफ्यूजल सॉलिड्स की कैटेगरी में आते हैं तो एग्जाम्पल्स हैं कैल्शियम कार्बोनेट लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट रूहाब लाइट केओलिन मैग्नीशियम ट्राई फिर बात करते हैं इन डिफ्यूजिबल सॉलिड्स की नाम से पता चल रहा है कि दे आर डिफ्यूजिबल सो दे विल नॉट रिमेन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ व्हीकल लॉन्ग इनफ टू इंश्योर द यूनिफॉर्मिटी ऑफ टूर्स यानी कि इनफ टाइम के लिए ये व्हीकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहेंगे एग्जाम्पल की बात करें तो ये दो तरीके के हैं एक तो इंटरनल यूज जो कि अपन इंटरनली ले सकते हैं दूसरा एक्सटर्नली यानी कि टॉपिकल इंटरनली की बात करें इन डिफ्यूजिबल की एस्पिन चौक एरोमेटिक चॉक पाउडर फिनोबाबीटोन सल्फर डाइमिडीन्स सल्फ सक्सीनाइल सल्फा थायाज ये सारे के सारे ड्रग अपन इंटरनली यूज कर सकते हैं और एक्सटर्नली की बात करें यानी कि टॉपिकली तो सल्फर बीपीटी, सल्फर को अपन को ये इसके बी साइड्स में काम आती है कैलामाइनिस फॉर प्रोटेक्टिव एक्शन हाइड्रोकॉटिसन यूज फॉर एलर्जी जिंक ऑक्साइड इज ऑल्सो एक्सीपिय दिस फॉर्मुलेशन एंड ट्राई मिनोलिन एसिडो थर्ड है सस्पेंशन कंटेनिंग प्रेसिप्टेट फॉर्मिंग लिक्विड्स यानी कि वो सस्पेंशन जो कि प्रेसिपिटेट्स फॉर्म करते हैं अब जैसे कि बेंजोइन टिंचर है मिर है टोलू टिंचर है इनमें जैसे ही अपन पानी ऐड करते हैं तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेंगे और अगर बाई चांस इसके अंदर अपन सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं तो द प्रेसिप्टेज आर इनडिफ्यूजिबल बिकॉज दे कंटेन रिजन एंड मे स्टिक टू द साइड ऑफ वॉल्स सो डिफिकल्ट टू रीड और दूसरा इसके अंदर रेजिस्ट भी होते हैं तो रेजेंस से क्या होगा जो सिस्टम है वो अपना वॉल्स पे स्टिक हो जाएगा और वापस इसको डिफिकल्ट होगा रीडिस्पर्स करना इसलिए इसके अंदर प्रोटेक्टिव कॉलरस भी डालते हैं और प्रोटेक्टिव कॉलरस के अंदर एग्जाम्पल हो गया अपना ट्रेगागेंथ मिश्रेज और कंपाउंड ट्रेगागेंथ सस्पेंशन प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन इसमें क्या होता है दे आर हाईली डाइल सोल्यूशन ऑफ रिएक्टेंट आर मिक्स टूगेदर सो एज टू फॉर्म वेरी फाइनली डिवाइडेड प्रेसिप्टेट दैट कैन बी इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लिक्विड बाई शेकिंग यानी कि बहुत ही सॉल्यूशन को अपन मिक्स करते हैं तो बहुत बनती है। जिसको शेक करने पे एक ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेड मीडियम क्रिएट होता है इसलिए अपने को इसमें सस्पेंडिंग एजेंट भी डालने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि दे आर सेल्फ डिफ्यूजल बहुत ही डायल्यूट सिस्टम है नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन यानी कि अब अपने को सस्पेंशन बनाना है तो बनाने के लिए अपन कौन कौन से एजेंट्स यूज़ करेंगे किस किस कंसल्टेशन पे यूज़ करेंगे कौन किसके लिए सूटेबल होगा ये सब चीज़ें अपन देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले अपन सस्पेंशन बना रहे हैं तो अपने को एक चीज़ लेनी पड़ेगी विच इज़ नोन एज ए पी आई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट यानी कि जो ड्रग है जो अपना एक्शन प्रोड्यूस कर रही है बाकी सारे तो एक्सीडेंट होंगे जो उसको सस्पेंशन बनाने में हेल्प करेंगे बी है थिकनिंग एजेंट और सस्पेंडिंग एजेंट अब पार्टिकल हैं एपीआई है वो अनडिजॉल्व हो सकता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है तो उसे सिस्टम में सस्पेंड करवाने के लिए अपने को सस्पेंडिंग एजेंट डालने पड़ेंगे और जो सस्पेंडिंग एजेंट्स हैं दे आर हाइड्रोफिलिक कॉलर्ड्स विच फॉर्म कॉलरडल डिस्पर्शन विथ वाटर एंड पार्ट द विस्िटी ये क्या करते हैं ये हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं वाटर लविंग कैरेक्टर्स के होते हैं और जैसे अपन इनको पानी में डालते हैं विस्कॉसिटी को इम्प्रूव करते हैं और अगर विस्कॉसिटी सिस्टम की इम्प्रूव हो गई तो आपकी ड्रग भी पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर सेडिमेंट रहेगी एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सस्पेंडिंग एजेंट तीन तरीके के होते हैं पॉलीसेक्राइड्स इनोग्निक एंड सिंथेटिक पॉलीसेक्राइड के अंदर भी दो तरीके के आएंगे एक तो जो नेचुरली अपने को ऑप्टेन होते हैं दूसरा है सेमी सिंथेटिक नेचुरली कौन कौन से गम्स या पॉलीसेक्राइड्स अपने को मिलते हैं एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले है गम अकेशिया गम अकेशिया को इंडियन गम भी कहते हैं ये मोस्टली अकेशिया सैनिकल से मिलती है इट इज अ गुड प्रोटेक्टिव कॉलर्स एंड गुड फॉर रेजिनियस टिंचर यानी कि अगर कोई रेजिनियस टिंचर अपन यूज कर रहे हैं जो कि स्टिक हो सकता है तो वहाँ पे अपने को गम ट्रे अकेशिया यूज करना चाहिए गम अकेशिया है जो कि कंपाउंड ट्रैगा पाउडर बनाने में भी हेल्प करता है अब वो क्या होता है कंपाउंड ट्रैगा पाउडर एक मिक्सचर होता है जिसमें कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं विद डिफरेंट रेशोज और उसके अंदर अकेशिया एंड स्टार्च सुक्रोज ऐड होता है जब अपन उसे कंपाउंड ट्रैगा के पाउडर के रूप में यूज करते हैं तो ये पर्टिकुलर अपन कंसनट्रेशन यूज़ करके इसका टू ग्राम पर हंड्रेड एम एल सोल्यूशन बनाते हैं और अकेशा तभी यूज़ किया जाएगा जब जो व्हीकल है अदर देन वाटर और क्लोरोफॉर्म है यानी कि अगर वाटर और क्लोरोफॉर्म अपन व्हीकल के रूप में यूज़ कर रहे हैं तो सस्पेंडिंग एजेंट अपन इंडियन गम या फिर अकेशा नहीं डालेंगे दूसरी चीज अकेशिया के अंदर एक ऑक्सीडेज एंजाइम पाया जाता है जिससे क्या होता है इसका डिग्रेडेशन हो जाता है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए अपने को कुछ प्रिजर्वेटिव भी डालने पड़ेंगे एक प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दे रखा है विच इज बेंजॉइक एसिड दूसरा नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट है ट्रेगा गेंथ ट्रेगा गेंथ इज ऑल्सो ऑप्टेन फ्रॉम ड्राइड एक्सट्रैक्ट ऑफ एस्ट्रागेल गमी फेरी यानी कि एस्ट्रागल गमी फेरी से मिलता है और ये हैवी इनडिफ्यूजिबल पाउडर्स के लिए यूज़ किया जाता है यानी कि कोई ड्रग अपनी हैवी इनडिफ्यूजिबल सिस्टम है तो अपन ट्रेगागंज को एज ए सस्पेंडिंग एजेंट यूज करेंगे अब दूसरा ट्रेगागंथ अपन तब यूज करते हैं जब जो व्हीकल है वाटर और क्लोरोफोम हो तीसरी चीज एक तो ट्रेगागंज कंपाउंड के बारे में बात कर दी दूसरा होता है ट्रेगागेंथ म्यूसिलेज वहां पे टेन टू ट्वेंटी परसेंट अपन उसका यूज करके उसको वन फिफ्टी एम में डिजोल्व कर देते हैं तो दिस इज ट्रेगागेंथ म्यूसिलेज तीसरा है स्टार्च स्टार्च अपन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि स्टार्च में आफ्टर हीटिंग इट इंक्रीज इट्स विस्कॉसिटी तो विस्कोसिटी भी ये सिस्टम बढ़ा रहा है और सस्पेंडिंग एजेंट भी इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि वो विस्कोसिटी को इम्पार्ट करें तो स्टार्च इज गुड एग्जाम्पल फॉर नेचुरल पोलिसक्राइडस फोर्थ है सोडियम एल्जीनेट सोडियम एल्जीनेट बेसिकली एक सी वीड है वन परसेंट कंसेंट्रेशन को अपन यूज़ करते हैं और ये मोस्टली अपने को मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ एलजीनिक एसिड एंड पेलू यूरोनिक एसिड से दूसरा एग्जाम्पल्स है पोलिसक्रेड से के सेमी सिंथेटिक यानी कि जिन्हें थोड़ा सिंथेसाइज किया गया है एग्जाम्पल की बात करें तो मिथाइल सेलोज मिथाइल सेल्यूलोस को पॉइंट फाइव से टू परसेंट कंसनट्रेशन पर यूज करते हैं सोडियम काबोक्सी मिथाइल सेलुलोज इसे अपन ग्लायोकोलेट भी कहते हैं इसे पॉइंट टू फाइव से वन परसेंट कंसनट्रेशन पर यूज करते हैं और फिर है एम सी सी माइक्रोकलाइन सेल्यूलोस ये मोस्टली अपने को वुड सेल्यूलोस मिलता है जो कि एसिड हाइड्रोलाइसिज से अपने को ऑप्टिन होता है इसे अपन एवी सेल भी कहते हैं एमसीसी का ब्रांड नेम है एवी सेल फिर है इनोगनिक इनोगनिक के अंदर तो मोस्टली क्लेस की बात करेंगे क्लेस में भी चार हैं अपने पास बेंटोनाइट एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट हेक्टोराइट और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बेंटोनाइट की बात करें तो बेंटोनाइट इज एल्यूमिनियम सिलिकेट टू परसेंट कंसेंट्रेशन पर यूज कर रहे हैं और ये इसका फॉर्मूला है फिर है एल्यूमिनियम मैग्नीशियम सिलिकेट इसे अपन वैगम भी कहते हैं इसकी कंसेंट्रेशन होती है पॉइंट फाइव से टू परसेंट एज अ सस्पेंडिंग एजेंट फिर है हेक्टोराइट इसे मोस्टली मैग्नीशियम होता है एक्ट एज अ थिक्सोड प्रोडक्ट थिक्सोड क्या होती है अब यानी कि जब अपने शेक किया था तो सोल्यूशन है और रखने पर वापस जेल कंडीशन में है इसका एडवांटेज क्या होगा जैसे अपने शेक किया तो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया तो अपने के लिए पोरिंग इजी हो गई और जैसे अपने इसको रखा तो जेल में कन्वर्ट हो गया तो क्या होगा पार्टिकल है जो सिस्टम में इमल डिस्ट्रीब्यूटेड सस्पेंड है लास्ट एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एज ए सस्पेंडिंग एजेंट बेरियम सल्फेट में यूज होता है कैलामाइन में यूज होता है सल्फर में यूज होता है और सल्फोनाइड में यूज होता है इसके दो नाम भी हैं यूनिमल एन यूनिवर्सल इमलसी फायर लास्ट है सिंथेटिक यानी कि कौन से सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो कि सस्पेंडिंग एजेंट्स के रूप में यूज किए जाते हैं जो पूरी की पूरी तरीके से लेबोरेटरी में बनाए गए हैं यहाँ पे चार एग्जांपल हैं काबूमर काबूमर इज विनाइल पॉलीमर ये थिकनिंग एजेंट के रूप में यूज आता है कंसेंट्रेशन अपन लेते हैं पॉइंट से फोर परसेंट सेकेंड है कॉलोडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये सस्पेंडिंग एजेंट्स के रूप में काम आता है कंसेंट्रेशन अपन रखते हैं वन से फोर थर्ड है पी वी ए पॉलीविनाइल एल्कोहल एंड फोर्थ है पी वी पी पॉलीविनाइल पायरोडोन वेटिंग एजेंट इज ऑल्सो यूज इन फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट अब वेटिंग एजेंट क्या करता है वेटिंग एजेंट दे रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन सॉलिड पार्टिकल एंड लिक्विड यानी कि जो सॉलिड और लिक्विड के बीच की जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको ये कम कर देगा तो जिससे क्या होगा पार्टिकल एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगे वो पूरे के पूरे सिस्टम में डिस्पर्स होने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एल्कोल इन ट्रेगागेंथ यानी कि जो ट्रेगागेंथ है वो पानी में सॉलीबल नहीं है बट तो जैसे अपन इसको अल्कोल में सॉलीबल करेंगे तो अब ये डिस्पर्शन है जो कि वाटर में डिजोल्व हो जाएगा दूसरा एग्जाम्पल है ग्लिसरीन इन सोडियम एल्जीनेट तीसरा है बेंटोनाइट और पॉलिसॉर्बिट डिस्पर्शंस फिर है फ्लोकुलेटिंग एजेंट फ्लॉक्यूलेटिंग यानी कि दे फ्लोक द ड्रग पार्टिकल यानी कि पार्टिकल को फ्लोक कराने में हेल्प करते हैं मैकेनिज्म क्या रहेगी दे लीज टू तो डिक्रीज इन रिपल्शन पोटेंशियल एंड मेक पार्टिकल कम टुगेदर टू फॉर्म लूजली अरेंज प्रोक्यूल्स यानी कि रिपल्शन पोटेंशियल को कम करेंगे अट्रैक्शन थोड़ा सा लाएंगे और पार्टिकल को लूजली अरेंज प्रोक्यूल्स में क्रिएट करने में हेल्प करेंगे एग्जाम्पल की बात करें तो एस एल एस सोडियम ल्लोराइड सल्फेट ट्विन स्पान एंड कार्बोवेक्सिस अगर आपको ध्यान हो तो एस एलिस एन आइनिक सरफेक्टेंट ट्विन एंड इस्पान और नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स फिर है बफर बफर सस्पेंशन में इसलिए यूज किया जाता है ताकि वो पी एच को मेंटेन कर सके ऑस्मोटिक प्रेशर अगर अपन आई ड्रॉप्स बना रहे हैं तो वहाँ पर अपने कॉस्मोटिक प्रेशर भी मैंटेन करना जरूरी है फिर है ऑर्गेनोलैप्टिक प्रॉपर्टीज ऑर्गेनोलैप्टिक यानी कि दिखने में टेस्ट करने में अच्छा होना चाहिए तो कलरिंग एजेंट स्वीटनिंग एजेंट एंड फ्लेवरिंग एजेंट अपन डालते हैं फिर प्रिजर्वेटिव टू प्रिवेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ तो प्रिजर्वेटिव कौन कौन से होंगे बेंजोइक एसिड सम पैराबेंस मिथाइल पैराबेन एंड प्रोपाइल पैराबेन एंड बेंजोएट फिर लास्ट है प्रोटेक्टिव कॉलर्स यानी कि सब कुछ करने के बाद भी अगर आपका सिस्टम अब स्टेबल नहीं हो रहा सस्पेंशन तो अब आप क्या करेंगे उसके अंदर कुछ प्रोटेक्टिव कॉलर्स डालेंगे वो क्या करेंगे

अब अपन इतने सारे फॉर्मूलेशन इन्ग्रीडियंट डाल के सस्पेंशन बना तो दिया अब अपन कैसे पता करें कि अपना सस्पेंशन स्टेबल है या नहीं है उसके लिए कुछ मेथड्स दे रखे हैं अब सबसे पहले अगर, अगर अपन को कोई नई ड्रग मिली है या कोई नई फॉर्मूलेशन मिली है जिसका अपने को सस्पेंशन बनाना है तो वहाँ पर अपन एक्सीपेंट की एक फिक्स कंसेंट्रेशन तो यूज़ नहीं करेंगे वहाँ पर अपन एक डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन पर काम करेंगे और वहाँ पर ये देखेंगे इन सब में से सबसे बेहतर कौन निकला है तो उसके लिए कुछ मेथड्स हैं एस्टीमेट करने के लिए कि उनमें से सबसे बेहतर या फिर ऑप्टिमाइज कंसनट्रेशन कौन सी है उसके लिए कुछ मेथड्स हैं तो सबसे पहले मेथड है सेडिमेंटेशन मेथड यानी कि सबसे लेट तक सेडिमेंट कौन हो रहा है और सबसे जल्दी सेडिमेंट कौन हो गया उसके आधार पर अपन ये पता लगाते हैं कि सबसे बेस्ट फॉर्मोलेशन इनमें से कौन सी है या फिर इन छह या दस फॉर्मोलेशन जो भी अपन ने डिफरेंट कंसेंट्रेशन पर बनाई है उसमें से ऑप्टीमाइज कंसनट्रेशन कौन सी है इसमें क्या रहता है इसमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है अपने को फॉर्मूला है अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन अपॉन इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन यानी कि सपोज आपका जो सस्पेंशन है वो आपने एक मेजर सिलेंडर में भरा मेजर सिलेंडर का मान है दस एम एल हाइएस्ट तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन क्या है दस एम एल सस्पेंशन शुरू में दस एम एल में पूरे के पूरे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है जैसे आपने बना के रखा फिर आप उसको टाइम के साथ कंपेयर करने लगोगे पहले आपने जीरो मिनट पर देखा तो क्या होगा इनिशियल वॉल्यूम और अल्टीमेट वॉल्यूम दोनों ही दस दस रहेगी जीरो मिनट पर आपने लिख दी टेन अपॉन टेन फिर आप पाँच मिनट बाद देखोगे तो आप देखोगे कि जो सेडिमेंटेशन है वो धीरे की तरफ नीचे की तरफ आने लगा है ऊपर थोड़ा सा आपको सुपर नेंटेंट या फिर ट्रांसपेरेंट सिस्टम दिखेगा तो आप सपोज लिख देंगे आठ दो एम तक वो नीचे की तरफ सेडिमेंट हो गया पाँच मिनट बाद आप फिर देखेंगे दस मिनट बाद आप फिर देखेंगे इस तरीके से आप देखते हुए एक ग्राफ प्लॉट करेंगे सेडिमेंटेशन वॉल्यूम एंड टाइम के बीच में इसी तरीके से आपके पास पाँच दस पंद्रह फार्मुलेशन जो भी है उन सब में आप देखेंगे लास्ट में आपके पास रिजल्ट आएगा कि वो फार्मुलेशन जो टाइम के अकॉर्डिंग सेडिमेंटेशन वॉल्यूम में सबसे कम इफेक्टिव हो रही है यानी कि उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट बन रहा है वो सबसे आपकी स्टेबल फार्मुलेशन होगी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है इसका मोस्टली यूज क्या किया जाता है फॉर सेलेक्शन ऑफ बेटर सस्पेंशन यानी कि उन पांचों फार्मुलेशन में से सबसे बेटर सस्पेंशन कौन था आइडेंटिफाई सुटेबल सस्पेंडिंग एजेंट सपोज इन पांचों फार्मोलेशन के अंदर मैंने सेम कंसेंटेशन ऑफ ड्रग डाल दी बाकी सब डाला बट अलग अलग सस्पेंडिंग एजेंट डाल दिए तो उसके आधार पर भी मैं बता सकती हूँ कि सबसे बेहतर सस्पेंशन कौन सा निकला और लास्ट में टू ऑप्टेन ऑप्टिमाइज कंसेंट्रेशन ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट यानी कि ऑप्टिमाइज कंसेंट्रेशन क्या थी सस्पेंडिंग एजेंट की सपोज इन पांचों फॉर्मुलेन में मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ सेम सस्पेंडिंग एजेंट डाल दी तो जो सबसे कम इफेक्टिव हुआ टाइम के रिलेशन में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम वो सबसे बेस्ट या फिर ऑप्टिमाइज कंसेंट्रेशन होगी मेरी उस सस्पेंडिंग एजेंट की दूसरा है डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा अल्टीमेट सेडीमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड अपॉन अल्टीमेट सेडीमेंट वॉल्यूम ऑफ डी फ्लोक्यूलेटेड अब आपने पाँच वेजिंग सिलेंटर पर काम किया तो उसमें एक सबसे पोर परफॉर्मेंस वाला होगा और एक सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाला होगा जो लास्ट में जैसे सपोज आपने थर्टी मिनट क्राइटेरिया कर लिया कि तीस मिनट तक अपने को हाईस्ट सेडिमेंटेशन वॉल्यूम देखनी है तो थर्टी मिनट पे पांचों की पांच, पांच, पांच फाउंडेशन की एक सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होगी एक अल्टीमेट वॉल्यूम होगी और एक डी फ्लोकुलेटिटी यानी कि इन पांचों में से सबसे जो पुअर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम होगी वो उसका जो अनुपात है वो कहलाएगा डिग्री ऑफ फ्लोक्यूलेशन फिर है रीडिस्पर्सिबिलिटी अब आपने सस्पेंशन बना तो दिया पार्टिकल्स हैं तो नीचे की तरफ सेडिमेंट हो गए ही होंगे बट अपन उस आधार पर भी उसको चूज कर सकते हैं कि कौन सा वापस आसानी से रीडिस्पर्सिबल हो रहा है शेक करने पर तो उसके लिए कौन सा मेथड अपन यूज करते हैं अपन यूज़ करता है रीडिस्पर्सिबिलिटी मैथड उसके अंदर अपन हंड्रेड एम का एक सिलेंडर लेते हैं मेजिंग सिलेंडर उसके अंदर अपन ने सस्पेंशन डाल दिया फिर उसके अंदर अपन थ्री रोटेशन करते हैं ट्वेंटी आर स्पीड पर और जब सपोज आपने पूरा का पूरा मेजिंग सिलेंडर उल्टा कर दिया और आपने देखा कि पार्टिकल अभी भी बॉटम पे स्टिक हैं और उसको फिर आपको वापस 360 डिग्री पे सीधा करना है तो वो साइकिल आपका कहलाएगा वन साइकिल और वन साइकिल इज इक्वल टू फाइव परसेंट सपोज कि कोई सस्पेंशन आपका तीन साइकिल के अंदर पूरा का पूरा रिडिस हो गया बॉटम पे आपको कोई भी पार्टिकल अब नहीं दिखाई दे रहा है तो तो साइकिल कितने हो गए लेसर द साइकिल फास्टर द दूसरा मेथड क्या है सडीमंडीशन चेक करने का या सस्पेंशन की स्टेबिलिटी चेक करने का रिहोलॉजिकल मेथड रियोलॉजी रिहोलॉजी यानी कि इस तरीके से अपन विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं कि सस्पेंशन की विस्कोसिटी कैसी है सस्पेंशन की विस्कोसिटी यहाँ पर दो तरीके से देखी जाती है यूजिंग सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर्स एंड मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर है ऑक्सफर्ड एंड फॉलिंग स्फियर एंड मल्टी पॉइंट है कप एन बॉबन कॉन एंड प्लेट इनकी बात अपन विस्कोसिटी और रियोलॉजी चैप्टर में अच्छे से करेंगे थर्ड है इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड इलेक्ट्रोकाइनेटिक यानी कि टू डिटरमाइन द सर्फेस इलेक्ट्रिकल चार्ज और जीटा पोटेंशियल ऑफ सस्पेंशन यानी कि सस्पेंशन का जीटा पोटेंशियल क्या है या उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है वो चेक करने के लिए वो अगर न्यूट्रल रीजन में है तब अपना सिस्टम है जो स्टेबल होगा और इट इज़ ऑल्सो यूज टू तो कैलकुलेट द माइग्रेशन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड लास्ट पॉइंट है माइक्रोमेरेटिक पार्टिकल का साइज क्या है उसके आधार पर रिलेट करता है कि आपका सस्पेंशन स्टेबल होगा या नहीं होगा ज़्यादा बड़े पार्टिकल हैं तो सस्पेंशन में ऑब्वियस है ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा सेडिमेंटेशन जल्दी होगी अनडिस्ट्रीब्यूटेड पार्टिकल साइज़ हैं यानी कि कुछ छोटे पार्टिकल हैं कुछ बहुत बड़े पार्टिकल हैं तो डीफ्लोकुलेटेड सिस्टम बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ पार्टिकल चेक करने के लिए अपने को माइक्रोमेरेटिक मेथड लगाने पड़ते हैं जहाँ पर पार्टिकल साइज वॉल्यूम एरिया कैन बी कैलकुलेटेड I hope you like and enjoy the video. Thank you. Please like, share and subscribe.